दोस्तों लेनोवो ने अपना अभी पहले भी कोई एक फ़ोन लॉन्च किया था, लेनोवो K8। अब लगता है दोस्तों लेनोवो सीरीज़ में अपने मोबाइल लॉन्च कर रही है, इसलिए लेनोवो ने एक न्यू मोबाइल लॉन्च करने के बारे में सोचा है, लेनोवो K8 Plus। इसके बारे में बताया गया है कि 6 सितंबर को लॉन्च होगा। फ्लिपकार्ट की तरफ से यह आधिकारिक तरीके से ऐलान हो चुका है कि 6 सितंबर को आपको जो मोबाइल इसकी उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में अभी लेनोवो ने एक टीज़र लॉन्च किया है वीडियो का, जो मैं आपको अपनी टीज़र में ऑलरेडी वीडियो में ऑलरेडी सबसे स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ, वो है टीज़र जिसमें आपको दिखाया गया है लेनोवो का K8 Plus। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी अगर आप स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसकी सारी जानकारी दे देता हूँ, आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले लेनोवो K8 Plus के बारे में बताना चाहता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके की इसकी बॉडी मिलेगी फिनिशिंग के साथ। आपको इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो मिलेगा 7.1.1 OS नोगट। साथ ही साथ आपको इसकी एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलेगी, आपको 32 GB की स्टोरेज होगी। अगर आप इसके कैमरे की बात करें तो आपको जो फ्रंट पीछे का कैमरा होगा वो 16 MP कैमरा होगा, और फ्रंट होगा 8 MP का फ्रंट कैमरा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात करें तो आपको 5.5 इंच की फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी। प्रोसेसर की बात करें तो आपको जो ऑक्टा कोर का 2.6 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसकी दोस्तों बैटरी की बात करें तो ये नॉन रिमूवेबल बैटरी है 4000 mAh बैटरी लाइन की। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें अगर छोटे मोटे मेन मेन फंक्शंस के बारे में बात करें तो आपको इसमें FM रेडियो, वाईफाई, 3G और 4G सपोर्टेबल, ब्लूटूथ, डुअल सिम और नैनो, दोस्तों दोनों की दोनों नैनो सिम होंगी। शायद में आपको वोल्ट फीचर भी इसमें मिल रहा है जियो की तरफ से, अगर आप सिम डालना चाहेंगे तो इसमें वोल्ट फीचर ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके GPRS और सेकेंडरी कैमरा भी मिलेगा LED के साथ। दोस्तों अब इसके ओवरव्यू फंक्शन के बारे में बात करें तो इसमें 7.1.1 नोगट फंक्शन तो आपको देखने को मिल ही चुका है। अब इसके और भी कई सारे फंक्शन आप देखना चाहते हैं तो इस टच स्क्रीन में मिलेगा आपको। स्क्रीन साइज इसका 5.5 होगा। स्क्रीन रिजोल्यूशन आपको 1000x720 आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसकी डुअल सिम दोनों के दोनों नैनो होगी। ये आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, शायद सितंबर में ही आप इसको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इसका माइक्रो SD का स्टोरेज होगा। इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी 128 GB होगी। इसमें 16 MP का कैमरा और 8 MP का कैमरा होगा। साथ ही साथ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग सब कुछ इसमें है। इसमें कैमरा, स्पीकर, ऑडियो जैक 3.5 mm का होगा। ये नॉन रिमूवेबल बैटरी होगी। अगर आपको वाईफाई की बात करें तो 802.11G हॉटस्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप माइक्रो USB करें तो वर्जन 2.0 इसका न्यू माइक्रो USB आपको उसमें सपोर्टेबल है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी बताया गया है। तो अब दोस्तों अब आप मुझे बताइए लेनोवो K8 Plus और लेनोवो K8 में डिफरेंस क्या है। अगर आपने अभी तक लेनोवो K8 लॉन्च खरीद लिया है या लेनोवो K8 के बारे में अगर आप भी जानते हैं तो लेनोवो K8 Plus से कंपेयर करके आप मुझे बता सकते हैं, या आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं इसका और लेनोवो K8 का कंपैरिजन करूं तो मैं आपको शायद इसकी पूरी वीडियो दे दूंगा। अगली वीडियो शायद आपको यही देखने को मिले कि लेनोवो K8 और लेनोवो K8 Plus में से कौन ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें बताया गया जो टीज़र है वो लॉन्च हो चुका है, तो मैंने आपको पहले ही इसमें दिखा दिया गया स्टार्टिंग में वीडियो में कि लेनोवो K8 का टीज़र आपको कैसा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बस इसी के बारे में इतना ही बताया गया है। दोस्तों अभी और भी जानकारी आना बाकी है तो मैंने सोचा मैं आपको उसे बाद में बता दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें बताया गया है कि इसमें फ्रंट कैमरे में शायद 2 कैमरे हैं। जी हाँ दोस्तों, डुअल कैमरा है, आई मीन रियर का जो पीछे कैमरा है वो आपको डुअल कैमरे में देखने को मिल सकते हैं। वही 16 MP 13 MP का आपको कैमरा दो देखने को मिलेंगे। अब इसकी और भी कई सारी जानकारी अभी आई नहीं है क्योंकि अभी ही लॉन्च की हुआ टीज़र है। साथ ही साथ दोस्तों अगर इसकी सारी जानकारी जैसी मैं आएगी आपको अपने चैनल पर बता दिया करूँगा। और साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके चैनल तक आती रहेगी। साथ ही साथ मुझे दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है एक लाइक दीजिए, नहीं पसंद आई है अनलाइक दीजिए। साथ ही मुझे कॉमेंट्स करके अपना ओपिनियन जरूर बताइए कि आपको उस मोबाइल के बारे में क्या फंक्शन अच्छे लगे क्या नहीं लगे। साथ ही साथ लेनोवो के 8 Plus के बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप इसे खरीदना चाहेंगे तो इसके कौन से फीचर आपको पसंद आए हैं या आप इसमें और भी कौन से फीचर न्यू देखना चाहेंगे। तो यही दोस्तों आज की हमारी ट्रिक, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।